लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर शुरू हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग में अब महज एक पखवाड़ा ही बचा है। दूसरे फेज के लिए नामांकन का दौर जारी है, यानी कि माहौल चुनावी है। ऐसे में जनता का क्या मिजाज है, एबीपी न्यूज के सी वोटर ने लोगों का मूड चुनावी माहौल में समझने की कोशिश की। देखिए यूपी, दिल्ली और हरियाणा में जनता का मिजाज कितना बदला है। दोनों को पसंद नहीं करने वाले 5 और पता नहीं कहने वाले 3% मिले। अगर आज वोटिंग हो जाए तो एनडीए को 54%, इंडिया गठबंधन को 40%, INLD को 2 और अन्य को 4% वोट मिलेंगे। हमने मार्च में भी सर्वे कराया था, तो अब देख लेते हैं वोट प्रतिशत में कितना बदलाव आया है। अप्रैल में जहां एनडीए को 54% मिलता दिख रहा है, तो मार्च में आंकड़ा 52% था। वहीं इंडिया गठबंधन को 40% मिल रहा है, तो मार्च में 38% था। INLD के वोट प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं है, तो अन्य को भी 4% मिल रहा है, जो मार्च में 8% था। एनडीए और इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की जो वजह बताई जा रही हैं, वो है हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर हटाए गए, नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने सीएम बनाया, बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन टूटा, कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया। यानी कुल मिलाकर इस सर्वे के मुताबिक यूपी, दिल्ली और हरियाणा में एनडीए को एक तरफा जीत मिल सकती है। ABP News आपको रखे आगे।